होम्योपैथी एक ऐसा विषय जिसके बारे में लोग जानते तो हैं पर बहुत कम, और लोगों के मन में इसके बारे में सवाल भी बहुत ज्यादा है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे एक ऐसी व्यक्ति के साथ जो कि होम्योपैथी के क्षेत्र में बहुत सालों से काम भी कर रही हैं और इस विषय की एक्सपर्ट भी मानी जाती हैं, प्रोफेसर डॉक्टर रेखा बुतड़ा जी। ये एक आम बातचीत नहीं है बल्कि एक अहम विषय पर महत्वपूर्ण चर्चा है। तो आइए हमारे सभी स्वास्थ्य की समस्याओं का हल ढूंढते हैं। हिप्पोक्रेट डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, इन्होंने पहली बार ये कहा कि कोई भी बीमारी सिमिलर समान और असमान डिसिमिलर डिसीज मैनिफेस्टेशन से दुरुस्त हो सकती है। हम ये जानते हैं कोई भी तकलीफ हुई तुरंत आराम चाहिए, हम मॉडर्न साइंस मेडिसिन में जाते हैं। मास्टर हैनीमन जर्मनी के 1796 में इन्होंने होम्योपैथी को जन्म दिया। उन्होंने इस बात के ऊपर रोर रिसर्च किया कि होम्योपैथी सिमिलर डिसीज से कैसे ठीक होती है। उदाहरण के तौर पे, आम तौर पे हर घर में हम प्याज काटते हैं, खाते हैं, जब वो गृहिणी प्याज को काटती है तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, नाक से भी पानी निकलता है। तो ये जो इरिटेशन होता है प्याज की वजह से, उसमें जो एक क्षमता है हेल्दी पर्सन में इरिटेशन, म्यूकोजा में इरिटेशन क्रिएट करके उसको एलर्जी, सर्दी होना या आंखों से पानी गलना, तो ये प्याज जब हम पोटेंटाइज करते हैं, जिसे हम एलियम सिपा कहते हैं, तो यही प्याज वो सर्दी को, नाक से आने वाले पानी को और आंखों से आने वाले पानी को रोकता भी। सचमुच ये मेजॉरिटी पेशेंट के ये सवाल होते हैं कि वो कहते हैं कि डॉक्टर होम्योपैथी तो बड़ा स्लो काम करती है, तो क्या मैं पहले जाके एडमिट हो जाऊँ फिर मेरा बुखार उतर जाएगा, या फिर उनको टॉन्सिल का अटैक आ रहा है तो पसवस हो गया, ये पस निकल जाएगा फिर मैं आपके पास दवा के लिए आऊंगी। तो हम उनको बताते हैं कि आपको इस चीज के लिए कंप्लीट ट्रीटमेंट यहाँ पर है, हम मर्क आयोड्रूबर जैसी दवा है कि जो आपको 24 आवर टू 36 आवर्स में आपका इन्फेक्शन को पूरा कंट्रोल कर लेता है, तो आपको कोई एंटीबायोटिक और लेने की जरूरत नहीं, मैं आपको होम्योपैथिक एंटीबायोटिक दूंगी, ऐसे हम उनको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। तो कहने का मतलब कि ये धीरे धीरे काम करती है नहीं, ये जितना प्रॉब्लम आपका एक्यूट है उतनी ही फास्ट दवा काम करती है। जैसे अभी आपको चक्कर आ रहा है, आप गिर रहे हो और आपको यदि चक्कर आता ही रहेगा तो आपको तो अभी तुरंत रिलीफ चाहिए, आप गाड़ी चला रहे हो और आप चक्कर आके गिर जाओगे। अभी किसी को एपिलेप्सी की फिट आई है तो हमारा ऑब्जर्वेशन कि उसको फिट यदि एक पूरा एक मिनट या 45 सेकंड रहता है, तो मैं कोई पेशेंट को वो फिट, उसको होम्योपैथी दवा धीरे धीरे काम करेंगे और कोई असर ही नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन उसका फिट 45 सेकंड से 30 सेकंड पे लेकर आता है। तो इतनी एक्यूट मेडिसिन भी अवेलेबल है और इमिजिएटली उसको दवा मिलनी चाहिए। ये मुझे लगता है कि हर परिवार में ये सवाल के जवाब की जरूरत है। आपने बहुत ही मतलब बहुत जरूरत का सवाल है ये, क्योंकि देखिए जैसे अब मामूली दिखने वाली हमें खा जाती है बच्चे को, कि भी अर्टिकेरिया हो गया, स्किन एलर्जी हो गई, दाने आ गए हैं, हम उसको बहुत मामूली तौर पे लेते हैं, कभी कुछ लगा लिया, कोई क्रीम लगा ली, ठीक हो गया, फिर से दोबारा आया, दोबारा हम उसको ठीक कर, क्रीम लगा के ठीक करते हैं। लेकिन जब इस तरह से हम उसको बार बार सिर्फ कंट्रोल करते चले जाते हैं तो जो सबसे पेरिफेरल पार्ट स्किन को हम समझते हैं वो बीमारी वहां दुरुस्त नहीं कर रही और सिर्फ हम लोकल एप्लीकेशन से कंट्रोल कर रहे, तो ये बीमारी अंदर बढ़ते बढ़ते फिर और वाइटल पार्ट में फिर हमको छींके आना शुरू होती है, फिर हमको सर्दी होना शुरू होती है, फिर गला खराब होना शुरू होता है और धीरे धीरे ट्रैवल करते करते वो हमारे को आवाज बैठना और ऐसा सब शुरू होते रहता है और हम अस्मा तक पहुंच जाते हैं। तो ये तकलीफ को यदि हम इसी लेवल पर होम्योपैथिक दवा से, जहां पर स्किन एलर्जी को ही हम ट्रीट कर ले, उसको पूरी तरह से दुरुस्त करें, उसे कंट्रोल ना करें, तो हम उसको तुरंत रिलीफ होना है तो हम पेशेंट को बोलते कि चलो तुम बर्फ लगा लो या फिर तुम थोड़ा ऑयल अप्लाई कर लो, लेकिन कोई भी
स्टीरॉयडल क्रीम लगाकर उसे कंट्रोल ना करो तो उस वजह से वो बीमारी वहां वही रुक जाती है, वो आगे प्रोग्रेस ही नहीं होती और बड़ी बड़ी बीमारी होने से बच जाती है। सिमिलरली अभी गला खराब होते रहता है बार बार, तो जो ऑर्गेनिजम्स हमें सोर थ्रोट के लिए कारण होते हैं, हम बोलते हैं स्टेफलोकोका स्टेफलोकोका इन्फेक्शंस, सेम यदि ये हमारा गला बार बार खराब होता है और हम उसे सिर्फ कंट्रोल करते रहते हैं, वो यदि हम पूरी तरह से दुरुस्त नहीं करते या तकलीफ बार बार हो रही इसलिए हम टॉन्सिल ऑपरेट करके निकाल देते, चलो परेशान करते ना बास रहेगा ना बासुरी निकाल दो, लेकिन यदि हम उसको वहां पे बिना दुरुस्त किए यदि निकाल देते हैं तो यही ऑर्गेनिजम्स हमारे इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी में ट्रैवल करते, फिर हमें ध्यान में आता है कि हमें जल्दी से जॉइंट पेन नी तकलीफ हो रही है, आर्थराइटिक प्रॉब्लम हो रही है, वही ऑर्गेनिजम्स आगे चल के हमें, चलो हम पेन किलर खा रहे कंट्रोल कर रहे हैं तो आगे चल के वल्वुलर हार्ट डिजीज भी क्रिएट करते हैं, तो डिजीज अंदर अंदर में ट्रैवल हो रहा है। तो यदि हम नहीं चाहते कि ये डिजीज ऐसा प्रोग्रेस होते रहे तो जहां पेशेंट को सोर थ्रोट लेकर आता है, गला बार बार खराब होता है, तो हम ये कहते हैं कि इसको आप लोकल केयर में आप गर्म पानी बार बार पियो, स्टीम लो, ये सब तो हम बताते ही है, साथ में हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट उन्हें देते हैं कि ये इन्फेक्शन बार बार ना हो, उसे कंट्रोल ना करें दुरुस्त करें, ताकि हम आने वाले आर्थराइटिक चेंजेस जो जल्दी आते हैं या फिर हमें वल्वुलर हार्ट डिजीज होने की पॉसिबिलिटी जो बढ़ जाती है वो हम कम कर सकते हैं।